फ्रेंड गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड अभी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा है दोपहर से और मैं यहाँ पर पहनने लगी हूँ बिछिए पायल, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें जो काम होती हैं हमारे लेडीज़ों के, ये चीज़ें हम ना दोपहर में ही निपटा लें तो सही रहता है, क्योंकि शाम का टाइम तो हमारे उसी टाइम पर हम खाना बनाते हैं, फिर उसी टाइम पर पूजा सब कुछ करना पड़ता है, तो हम ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो ये छोटे मोटे काम हम दोपहर में ही निपटा ले तो सही रहता है। तो मैं यहाँ पे नैन्स पैंट्स भी लगाने लगी हूँ और पायल भी पहन लिए, बिछिए पहन लिए। और उसके बाद फ्रेंड मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मेरे बिछिए हैं, ये मेरी पायल हैं, तो आप लोग बताना ये कैसे लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हैप्पी करवा चौथ, और आज है करवा चौथ और बस आज व्रत है हमारा, और मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ अपने, और टाइम हो रहा है अभी 1:30 बज गया है और मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और फ्रेंड मैंने बस बिछिए वगैरह पहन लिए, पायल पहन लिए, नैन पैंट्स वगैरह लगा लिए, बस अब मैं अपने थोड़ी देर आराम करूँगी, मोबाइल चलाऊँगी, और यहाँ पे मेरी मेहंदी भी लग गई है। और ज़्यादा खाली तो हुई नहीं है, पता नहीं क्यों मेरी ज़्यादा खाली मेहंदी होती भी नहीं है, और बस ठीक है लग गई है, और कभी लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है मेहंदी लग गई है बस। बस फ्रेंड अब जो भी है मैं अपना करवा चौथ का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फ्रेंड थोड़ी देर आराम करने के बाद अब टाइम हो चुका था, 3:30 बज गए थे कम से कम, तो मैंने सोचा चलो अपना काम भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले किचन वगैरह को थोड़ा साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि पूजा का सामान बनेगा, तो मैं थोड़े गैस वगैरह और अपना जो किचन काउंटर वगैरह थोड़ा साफ ही कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें पूजा का सामान बनाना चाहिए। बस फ्रेंड मैं अभी यहाँ पे काम मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टाइम हो चुके हैं 3:30 बज गए हैं, अब धीरे धीरे अभी से ही काम चालू करेंगे ना, तो ही काम हमारा जल्दी हो पाएगा, और फिर जिससे जल्दी भड़ोड़ी नहीं मचती, आराम से सारा काम हो जाता है। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया है, यस सर, या मैंने किचन साफ कर दी है थोड़ी सी। उसके बाद फ्रेंड देखो यहाँ पे हमारी कढ़ी बन गई है, और मैंने पकौड़ी भी बना ली है और इसमें डाल दी है, और रेसिपी मैंने कोई चीज़ की शेयर नहीं की थी, क्योंकि रेसिपी वगैरह मैं शेयर करती तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता। और यहाँ पे मेरी खीर बन गई है, और कद्दू की सब्ज़ी, और चावल मैंने यहाँ पे बीन के रख दिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, इसमें बाद में और बेसन ऐड करूँगी और थोड़ी पकौड़ियाँ ही बना लूँगी। बस ये सब कर लिया है, क्योंकि आज के दिन तो बस काम ही काम करना है, और जितना जल्दी होए, और आज शायद ये सुन रहे थे कि थोड़ा चंद्रमा भी थोड़ा जल्दी निकल रहा है, 8:20 से 8:15 बजे तक निकल जाएगा, तो मैंने भी सोचा कि चलो जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर देंगे, जिससे अच्छे से फ्री हो जाएंगे, और अपने लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, अच्छे से तैयार हो जाते हैं, नहीं तो तैयार भी नहीं हो पाते। तो बस ये सब बन, मेरी सब्ज़ी वगैरह तो सारी बन गई, कढ़ी वगैरह बन गई है, और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ भी निकालने लगी हूँ। और बस आज के दिन तो एक मन में एक अलग ही खुशी होती है, पता नहीं क्यों, और अच्छा भी लगता है कि बस हम चलो ये सब कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं अपने पतियों के लिए, तो बस एक अलग सी फीलिंग रहती है। तो यहाँ पे मैं मेरी पूड़ियाँ भी बन रही है, और फिर यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ ही बन चली, थोड़ी सी रह रही है, काम तो सब हो ही चुका है, और टाइम भी 6:30 बज गए, बजे पूड़ी वगैरह बना के तैयार होंगे, तैयार होने में भी देखो कैसी हालत हो जाती है, बिना पानी पिए बिना चाय पिए देखो कैसी हालत हो गई। और मैंने आधी पूरी बना ली है, और आधी पूरी बाद में बनाएंगे जब सब लोग खाएंगे गरम गरम,
अब इसे बना के रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगी। गरम गरम ही सही लगती है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी बना ली पूजा लाइक, आधी बना ली आधी बाद में बना लेंगे। अब मैं इसको रख दूँगी, इसको बाद में बना लेंगे इसे, और जो बाकी की पूड़ी है उसमें रख देंगे सारी कैस्ट्रोल में। ये आधी इसलिए बना दिए कि बाद में एकदम प्रेशर नहीं पड़ेगा ज़्यादा पूड़ियों का, तो पूजा करके थोड़ी सी पूड़ी गरम गरम बना लें, क्योंकि भाई हम लोग तो खा लेते हैं जैसे भी है, बच्चे तो गरम गरम ही खाएंगे, उनके ही नखरे ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड ठीक है, बस अब मैं बस मुंह वगैरह धोऊंगी, अपना फेस वॉश वगैरह करूंगी, अब मैं जाके तैयार होंगी, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओ फ्रेंड आपको मैं एक बात और बताऊँ, एक ऐसी की बात है, ऐसे मैं मोबाइल चला रही थी तो पंडित मिश्रा जी का एक बहुत छोटी सी वीडियो मेरे सामने आ गई थी करवा चौथ को लेकर, तो मैं उसे सुनने लगी, तो वो बोल रहे थे बहनों आपके करवा चौथ पे भूखे रहने से क्या पति की उम्र बढ़ती है, तो ये बताओ पहले आप, और उम्र तो बढ़ती है आपके मीठे बोलने से, आप अपने पतियों से अच्छे से बोलो प्यार से बोलो तो उनकी उम्र तो अच्छे से वैसी बढ़ जाएगी और आपकी भूखे रहने से नहीं बढ़ेगी। तो मुझे इतनी हँसी आई, और तो बस मैंने सोची यह बात मैं आपको ज़रूर बताऊं। और फ्रेंड बस किचन का सारा सामान सेट करने के बाद मैंने कि चलो पहले अपनी किचन भी संभाल लो, सब चीज़ें जगह पर रख दो, फिर उसके बाद ही तैयार होंगे। और यहाँ पे निकाल लिए मैंने अपनी साड़ी चूड़ियाँ नेकलेस कान के बाले और अंगूठी और मंगलसूत्र, बस मैंने इतनी चीज़ें निकाली थी, ज़्यादा कुछ तो नहीं निकाला। और फ्रेंड मैं यहाँ पे हो गई हूँ तैयार, और आप बता रहा मैं कैसी लग रही हूँ, और बस सिंपल सी मैं, ज़्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं है, ज़्यादा मेकअप वगैरह मुझे आता नहीं है, पर जैसा भी आया है वैसा मैंने कर लिया। और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी साड़ी, ये कान के गले के, और मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, और अपना आपको अपना पूरा लुक दिखा रही हूँ। बस मुझे ज़्यादा तो मेकअप आता नहीं है, और जैसा भी आता है वो वैसा मैंने कर लिया, तो आप लोग बताना कि कैसा हुआ है। बस हम लेडीज़ों को आज का दिन ही तो मिलता है अच्छे से सजने संवरने के लिए, और दीपावली भी है, पर दीपावली को ये कि काम ज़्यादा रहता है, काम करते रहते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि अच्छे से तैयार हो, उस दिन तो खाने की पड़ती है। बस तैयार के होने के बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ मावर, क्योंकि मावर भी पहले लगा लो तो ठीक रहता है, और ये मैंने लगा लिया है मावर, और माता रानी के लिए अलग से घोल लिया था, ये मेरा थोड़ा अलग है। और बस मावर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पैर छील लिए मावर के। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने लगा लिया है मावर, बस आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमारा मावर भी लग चुका है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने ये सास के लिए सारा सामान निकाल लिया, जो जो चीज़ें होती हैं, तो ये एक थाली में निकाल लिया है। और फिर फ्रेंड ये हम करने लगे हैं यहाँ पे पूजा, ये मेरी दोरानी है, तो उसने कहा दीदी आप मेरे घर पर ही आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं आ जाऊँगी आप तुम्हारे घर पर, तो बस हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और वैसे भी पूजा पाठ करो ना तो अकेले में इतना अच्छा नहीं लगता, साथ में एक दो लोग हो ना तो ही पूजा पाठ में अच्छा लगता है, तो बस यहाँ पे हम दोनों मिलके पूजा कर रहे हैं। और मैं क्या भगवान को थोड़ा छू नहीं सकती थी, इसलिए ये सब वो ही कर रही है, मैं उसको बताती जा रही हूँ ये सब कर लो ऐसे ऐसे, तो बस वो ही कर रही है। मैं थोड़ा दूर बैठी हूँ, दूर क्या थोड़ा पास में ही बैठी हूँ, क्योंकि बस आप समझ जाइए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा ली ये थाली, और ये चंद्रमा के ऊपर की पूजा की थाली है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे निकल आया था चंद्रमा, और छत पे रात हो रही थी, नाइट है ना, तो यहाँ पे कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, तो ये क्लिप थोड़ी अंधेरा आया हुआ है, पर ठीक है मेरे बेटे ने ये थोड़ी बहुत क्लिप ले ली थी, मैंने उससे बोल दिया था ले लो बेटा।
फिर फ्रेंड हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पे आके बस अपने हस्बैंड की भी थोड़ा जो तिलक वगैरह उनकी भी पूजा कर दी है। और ये एक ही दिन तो मिलता है हमें अपने हस्बैंड की पूजा करने के लिए, तो बस यहाँ पे मैंने उनके तिलक लगा दिया है और ये उनको मिठाई खिला दी है। तो वो ना मिठाई में रबड़ी लेके आए थे, मैंने कहा तुम रबड़ी क्यों ले आए, तो बोले नहीं चलो रबड़ी ले आए, मिठाइयाँ तो रोज़ ही खाते हैं। तो बस ये उनके मैंने पैर छीन लिए, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा स्वागत रहो, और ये सब चीज़ें करो तो थोड़ी ऐसी आती हैं। और बस उन्हें पानी पिला दिया है और उन्हें मुझे भी मेरा भी मुंह मीठा कर दिया है। तो बोले और खा लो और खा लो, तो मुझे ऐसी आ रही, मैंने बोला नहीं इतना ही काफ़ी है। उसके बाद फ्रेंड मैंने यहाँ पे लगा दिया है इन लोगों के लिए थाली, क्योंकि टाइम भी हो गया खाने का। और बस अब बस हम भी खाना वगैरह खाएंगे। ओ फ्रेंड, ये था मेरा करवा चौथ का छोटा सा ब्लॉग। और मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि माता रानी सबके स्वाग अमर रहे, मेरी ये दिल से प्रार्थना है। ओ फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।